وقال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم صل وسلم على نبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں اور انبیاء اور رسل پر جو کتابیں نازل فرمائی ہیں اس میں بالاتفاق جو باقاعدہ کتابی شکل میں نازل ہوئی ہیں ان کی تعداد چار ہے، مشہور و معروف. اس کے علاوہ کیونکہ جو نبی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، اس کی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی رہنمائی کی جاتی ہے، ہدایات دی جاتی ہیں، احکام سمجھائے جاتے ہیں. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. یہی تو فرق ہے، یہی تو انبیاء کا طرح امتیاز ہے کہ ان کے پاس ہدایت کا ایک ایسا راستہ اور ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جو عام انسان کے پاس نہیں ہوتا. اور انبیاء کی یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ جو بھی کلام کرتے ہیں محض اور محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی رہنمائی اور آپ کے احکام کے مطابق ہی وہ کلام کرتے ہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ان کتابوں میں سب سے عظیم کتاب اور سب سے آخری کتاب، سب سے محفوظ کتاب، سب سے جامع کتاب اور ما لا یناسبہ کے لیے سب سے معنی کتاب، سب سے کامل کتاب اور رہنمائی کے لیے ایک عظیم دستاویز اور کائنات کے اندر سب سے بڑا رہنمائی کی روشنی اور مشعل راہ، وہ کتاب جو محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جس کا نزول ہوا ہے، اس کتاب کو قرآن کریم، قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن شریف، تنزیل،
किताबुल्लाह कहा जाता है। कुरान करीम का नुज़ूल 23 साल के अरसे में, 23 साल के अरसे में कुरान करीम का नुज़ूल अव्वल ता आखिर मुकम्मल हुआ है। और यही अरसा अरसा नबूवत है, क्योंकि इससे कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तय्यबा थी, कमोबेश 40 साल की उम्र तक, उसमें वही का नुज़ूल बाकायदा नहीं होता था। इन 23 सालों में वक्तन फवक्तन कितनी दफा वही का नुज़ूल हुआ है, मुहक्किकीन मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया है कि तकरीबन 24,000 मरतबा वही का नुज़ूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन 23 सालों में हुआ है। क्योंकि कुरान करीम का नुज़ूल अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ सियाक और सबाक और मुनासिबत के हिसाब से जहाँ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले किताब ने कोई सवालात किए हों तो उसके जवाब में आले इमरान की इब्तदाई 70 आयात नाजिल हुई है। मिसाल के तौर यहूद और मुशरिकीन ने मिलकर शरारत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसे सवालात किए जिनका बज़ाहिर आपसे कोई ताल्लुक नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ। اب ذو القرنین کہاں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کا دور اقدس کہاں ہے؟ لیکن یہ ہماری دین کی شان ہے، ہماری دین کی عظمت ہے کہ کوئی بھی بات اور کوئی بھی سوال، کوئی بھی اعتراض، उसका तसल्ली और तशफ़ी वाला कामिल जवाब दिया जाता है। सूरह दुहा का नुज़ूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ अरसा वही के इनकिताअ के बाद ही हुआ है। मा वदअका रब्बुका वमा क़ला, तर्जुमा समझते हैं ना आयात का? हाँ, ऐसा ना हो कि मंची हो या तंबूर है, मंची नहीं हुई, ऐसा ना। माशाल्लाह सब उलमा है। तो कुरान करीम लफ्ज़ कुरान क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि अरबियत का ये हुसन है और हर वो ज़बान जिसकी लुगत वसी होती है, जिसकी लुगत हरीज होती है, तो उसमें माना और अल्फाज के जिहात भी मुतअद्दद होते हैं। मिसाल के तौर पे जिनको उर्दू भी आती है और जिनको पश्तो भी आती है वो मुआज़ना अच्छी तरह जानते हैं कि उर्दू सहल ज़बान है और कहा जाता है कि ये
लश्करी जबान है, फौज की जबान रही है। इसलिए इसमें माफ़ी ज़मीर बयान करने के लिए महदूद रास्ते हैं और इख्तसार के साथ बयान किया जाता है। और दीगर ज़बानें मसलन फ़ारसी है, पश्तो है, अरबी तो सबसे आला और फ़ा है, ये बहुत वसी ज़बान है। एक एक चीज़ के लिए पाँच पाँच छः छः बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा अल्फाज आ जाते हैं लुग़त में। क़ुरान करीम के बारे में मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि ये क़राना यक़रिनु बाब ज़रबा से ममाना बेवस्ता होने के या आपस में मिले हुए होने के है। और लुगत के अंदर हमेशा जब किसी लफ्ज का माना बयान किया जाता है तो आपस में उनके दरमियान मानवी अलाकात रूहुल मानी के अंदर अल्लामा तफ्तज़ानी ने इसकी तफसील की है कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसे अलाकात होने चाहिए जो माना और लफ्ज़ के दरमियान में मुनासिबत पैदा करते हों, ताल्लुक पैदा करते हों। समझ में आ रही है? तो क़ुरान और करना यकरिनों के दरमियान जो हलाकात बयान किए गए हैं, फरमाते हैं लिअन्नल आयता तताअल्लुकु बिल आया, इसलिए कि एक आयत का ताल्लुक, एक आयत का जोड़, एक आयत का रब्त दूसरी आयत के साथ क़ुरान करीम में बहुत ज़्यादा और कसीर अक्सर है। हज करान को करान क्यों कहा जाता है? इसलिए कि उम्रा और हज को आपस में मिला देते हैं, ताल्लुक कायम कर देते हैं। और इसी तरह लिअन्ना सूरत तुनासिब सूरा व तत्तसिलु बिसूरा व तर्बुतु बिहा, एक आयत का दूसरी आयत के, एक सूरत का दूसरी सूरत के साथ मुनासबत होती है, ताल्लुक होता है, रबत होता है, जोड़ होता है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि कभी कभार ये ताल्लुक, ये रबत और जोड़ आपस में रोज़ रोशन की तरह आया और वाज़े होता है। और कभी कभार हमारे अक्लों के नुकसान की वजह से, हमारी कम इल्मी की वजह से वो रब्त और जोड़ हमें बग़ैर तदब्बुर और तअम्मुल के समझ में नहीं आता। अफला यतदब्बरून अल-क़ुरआन, और इसके अलावा बेशुमार मकामात पे इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिल लिक़ौमिन यतदब्बरून, इस कुरान करीम में यकीनन तदब्बुर, तफक्कुर और तअम्मुल करने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से बेशुमार निशानियाँ। समझ में आई बात? यही हाल आयतों का है, यही हाल अज़ा का है, यही हाल सूरतों का है। तमाम मौजूआत का आपस में ताल्लुक और एक किस्म का रबत क़ुरान करीम में मौजूद होता है। एक आलिम ने
हजरत वाले साहब से फरमाया कि ये जो रबत होता है, आपस में ताल्लुक होता है, ये उलमा सिर्फ और सिर्फ तकल्लुफात करके बयान करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, हकीकत में तो इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं। हजरत वाले साहब ने उसको जवाब दिया कि आप जो बात कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। कहने लगे जी हाँ। हजरत वाले साहब ने कहा कि मुझे इस बात का जवाब दो कि सूरह नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं और रुकू की इब्तिदा होती है अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। रुकू की इब्तिदा किस बात से हो रही है? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो नूर अता फरमाया किया जाता है, जो इल्म होता है, जो हिदायत होती है, जो रुश्द व इरफान होता है, और रुकू ख़त्म किस आयत पे हो रहा है? वमन लम यजअल अल्लाहु लहु नूरन फमा लहु मिन। अल्लाह तबारक व तआला के हाँ नूर की कोई कमी नहीं, रुश्द व हिदायत की कोई कमी नहीं, इरफान व बुरहान की कोई कमी नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसके बारे में फैसला फरमा दें कि ये शकी है और इसके कदर में और इसके नसीब में नूर नहीं है, फमा लहू मिन नूर। मुफ्ती साहब ने फरमाया क्या आपको ये बात मालूम थी कि ये रुकू शुरू में नूर से हो रहा है और ख़त्म भी नूर पे हो रहा है? मौलवी साहब ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। तो मुफ्ती साहब ने कहा फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि कुरान में कोई रब्त और कोई ताल्लुक नहीं है, आपको तो इतनी छोटी सी बात मालूम नहीं है। इस तरह बेशुमार मिसालें हैं और तदब्बुर और तामुल के बाद बेशुमार चीज़ें समझ में आ जाती। या फिर अबुल हसन फर्रा इमाम अल अरबियत वल लुगा, उनकी तहकीक और राय यह है कि कुरान करीम ये सेवा जो है कुरान का ये कराइन से है, करीना की जमा कराइन। कराइन किसे कहते हैं? कराइन कहते हैं अशबाह को, कराइन कहते हैं अनजार को, नज़ीर की जमा, और कराइन कहते हैं अमसाल को। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मकामात पे उम्मत की समझ के लिए, उम्मत की रहनुमाई के लिए, उम्मत के लिए अहकाम आसान करने के लिए, उम्मत के लिए अहकाम को वाज़ह और आयां करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अशबाह, अनजार और अमसाल बयान फरमाई। أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً। اللہ تبارک و تعالی نے اچھی بات سمجھانے کے لیے، اعلیٰ بات سمجھانے کے لیے، بہترین کلام سمجھانے کے لیے کھجور کے درخت کی مثال دی۔ وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत समझाने के लिए अल्लाह ने कुरान करीम में ज़मीन की मिसाल से समझा है। मसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि अलहस अव तत्रुकहु अलहस। किसी की मजम्मत की जाती है और उसकी गिरावट और उसका खुबस, उसकी कमीनगी बयान की जाती है, उसमें भी मिसाल पेश की जाती है।
मसलुहुम का मसल लज़ी सौक़द नार। मैं आयत सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ? जो गुमराह है, जिसके पास हिदायत की रोशनी नहीं है, फरमाया आग तो जलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जैसी रोशनी की ज़रूरत होती है तो आग ख़त्म हो जाती, फिर अंधेरा हो जाता। ये भी मिसाल, बहुत ज़्यादा मिसालें हैं कुरान करीम के अंदर। उलमाए किराम फरमाते हैं, अलमसअला तो मिला मिसाल कल फरा से मिला लजाम। बग़ैर मिसाल का मसला, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बग़ैर लगाम का घोड़ा। घोड़ा जितना भी हसीन हो, जितना भी खूबसूरत हो, जितना भी तेज़ और तर्रार और नस्ली हो, अगर वो सवारी के काबिल नहीं है और वो आपकी लगाम के कंट्रोल में नहीं है तो वो किस काम का? बहुत ही बेहतरीन मसला है, बहुत ही बेहतरीन दलाइल हैं, लेकिन उसको समझाने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, आवाम क्या कहती है, एक्सप्लेन करने के लिए और उसके अशबाह और नज़ाहिर समझाने के लिए अगर उसकी मिसाल पेश न की जाए तो वो मसला नाकिस है, नामुकम्मल। समझ में आ रही है? अबुल हसन फर्रा रहमतुल्लाह ने यही कहा है कि कुरान करीम का सीगा ये कराइन से है। और तीसरा कौल, कुरान जो है ये बरवज़्न फुरकान मकरू से है। क़रा यक़रहु से इसमें मफ़ऊल का सीगा है और आखिर में नून मस्दरिया है। वजह तस्मिया लिअन्नहु मक़रूउन क़िराअतन لا يناسب ولا يقرأ بالكتاب الأخرى بالكتاب الآخر। قرآن کریم एक ऐसी किताब है कि इसको जितना पढ़ा जाता है, जितना समझा जाता है, जितनी तिलावत की जाती है, कायनात में इसकी नज़ीर, इसके मुकाबले की या इसके करीब करीब की भी कोई और किताब ऐसी नहीं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावते, जिनको अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की रोशनी, कुरान करीम का इल्म, कुरान करीम की हिदायत, कुरान करीम की समझ अता फरमाते हैं, वो तिलावत में इसका हक अदा करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रही है बात? दूसरी आसमानी किताबें वो सब मुहर्रफ हैं, सब मुबद्दल हैं, उनके अंदर राहिबों ने और यहूद के लोगों ने अपनी मनपसंद तब्दीलियाँ की हैं और उसके अंदर तहरीफ वाक़ हो चुकी है, वो महफूज नहीं है, इसीलिए उसका अब वो मकाम मर्तबा और उनके अपने अहले किताब के नज़दीक भी वो अहमियत और वो हैसियत अब वो नापैद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इसलिए कि हकीकत वो भी जानते हैं कि वो किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई या दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई या ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, वो किताब ये मौजूदा कुतुब आसमानिया वो हालत में मौजूद नहीं। लेकिन कुरान करीम उसका एक एक हर्फ,
उसका एक एक लफ्ज और उसकी एक एक इबारत वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह के हुक्म और वादे के मुताबिक हरफन हरफन महफूज है। और इसीलिए उसको बड़ी शान से पढ़ा भी जाता है, नमाजों में भी पढ़ा जाता है और तिलावत भी की जाती है और इबादत भी है इसका पढ़ना, बाइस सवाब भी। तो करा या करो मकरूहुन से मस्दर का सीगा आ जाएगा कुरान मरवज़े फुरकान। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया ला यातीहि अल-बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिहि। ये ऐसी किताब है कि ना इसके आगे से कोई बातिल हमलावर हो सकता है और न इसके पीछे से। मुफसरीन ने फरमाया है कि इससे मुराद मिन बैन यदैहि मिन कुद्दामिही, कुरान करीम के आगे से ए अल्फाजुहु, यानी इससे मुराद कुरान के अल्फाज हैं। समझ में आई बात? कुरान के अल्फाज के अंदर कोई बातिल, कोई जिंदीक, कोई मुल्हिद, कोई काफिर, कोई बद मजहब, कोई शरारती, कोई मुशरिक कुरान करीम के अल्फाज के अंदर रद्दो बदल और गड़बड़ नहीं कर सकता। वला मिन खल्फे, और ना उसके पीछे से ए माना हो, यानी उसके मानी के अंदर, उसके तावीलात के अंदर और उसके असरार और हिकम और लताइफ और नुकत के अंदर कोई बातिल, कोई काफिर, कोई मुशरिक, कोई जिंदीक कुरान करीम के मानी में कोई रद्द व बदल की इजाज़त और इख्तियार और कुदरत उसको नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा अपने इस हुक्म को रुऊसुल अशहाद के ऊपर सच्चा करके और उम्मत को खुली आँखों से कुरान करीम का मौजज़ा और कुरान करीम के हक्कानियत की निशानी दिखाई। कोई भी ऐसा शख्स हो जो ये दावा करे कि कुरान करीम के मानी और कुरान करीम के अल्फाज मैं समझाऊँ, मुझसे कबल सहाबा और ताबईन और उनके अतबा अइम्मा किराम मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन और फुकहा के ख़िलाफ़ तर्जुमा करता हो और उनसे हट के कुरान के मानी बयान करता हो, तो वो दिन दूर नहीं होता कि दुनिया के अंदर ही वो जलील और रुस्वा हो जाता है। ला यातीहिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिहि तंज़ील मिन हकीमिन हमीद। अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को और हिकमत भी बनाया है और इस किताब को बड़ी अजमतों से भी नवाजा है। समझ में आ रही है बात? लिहाजा कुरान करीम की खुसूसियात में और कुरान करीम की हक्कानियत में और कुरान करीम के बरहक होने के दलाइल में से एक अजीम दलील वो इसकी हिफाजत है। आजकल एक फितना निकला है और एक मुल्हिदीन की जमात निकली है जो सिर्फ और सिर्फ कुफर को खुश करने के लिए और अपनी नफ्स परस्ती के लिए उल्टे सीधे बेहूदा किस्म के लायानी किस्म के सवालात और एतराजात उठाते हैं और उन बेअक्लों को या गरीबों को गरीबी
क्या कायनात में कभी ने किसी ने यह सुना है कि 1442 साल तक एक अरब से ज्यादा इंसान किसी झूठ पर मुत्तफिक हो जाए? ये हो सकता है? 1442 साल तक एक अरब से ज्यादा ये जो जिंदा हैं और जो हमारे असलाफ फौत हो चुके हैं उनको मिलाओ तो न जाने क्या तादाद बनेगी। इतनी बड़ी तादाद में कोई इंसानियत और कोई मखलूक मुत्तफिक हुई है कि ये किताब बरहक है और ये किताब महफूज है। कोई मिसाल है इसकी? है इसकी मिसाल? नहीं। ये नाम नेहाद जो इस्लाम पर एतराज़ात करने वाले हैं और सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन और इस किस्म के चंद थ्योरियां ईजाद करने वालों से मुतासिर होके एतराज़ात करते हैं और उनको अपना खुदा बनाया है और हकीकत में अपने नफ्स को खुदा बनाया है और बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की, किसकी? यानी अमली तौर पर पेश करने की बात करते हैं, प्रैक्टिकल की। लाओ हमें प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि एक अरब इंसान किसी झूठ पे मुत्तफिक हो जाए तो हमें पता चल जाए कि तुम्हारे साइंस के और एस्ट्रोफिजिक्स के कायदे वो कानून के मुताबिक हैं और सही हैं। इसलिए कि दावा उनका है, दावा हमारा नहीं है कि भाई जो भी चीज़ होनी चाहिए तो फिर उसका कोई ना कोई सबूत होना चाहिए अमली तौर पे, मटेरियल के तौर पे। तो हम आपके सामने हिस्ट्री तारीख बयान कर रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए। अगर आपको अपने कायदे और कानून और साइंस के नाकिस कायदों पे इतना बड़ा एतमाद है तो फिर ये बताइए कि कुरान करीम का ये एजाज़ के 1442 साल गुजर जाने के बावजूद, बल्कि इससे ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद, इसलिए कि हिजरत बाद में हुई है और वही पहले शुरू हुई, आप भी फिर ऐसा कोई प्रैक्टिकल करके देखें। और अगर नहीं कर सकते तो फिर इस दावे का प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि एक अरब मुसलमान, एक अरब इंसान वो किसी झूठ पर इत्तेफाक कर ले। अलैहिज़ बिल्लाह नक़ल कुफर कुफर नबाश। और अगर नहीं कर सकते तो फिर अपने गंदे ज़हन और गलीज दिमाग को और गलीज एतक़ादात को अपने पास रखिए और इस गंदगी को फैलाने की कोशिश न करें। मुहद्दिसुल असर और उस्ताज़ व असातिज़तना व शेख व मशाइखना हज़रत मौलाना यूसुफ़ अल-बन्नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने यतीमतुल बयान फ़ी शैइन मिन उलूमिल कुरान नाम का जो मुकदमा लिखा है, इमामुल असर आयत मिन आयातिल्लाह हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुश्किलातुल कुरान के ऊपर मुकदमा लिखा है। मुकदमे का नाम है यतीमतुल बयान फी शैइन मिन मुश्किलातिल कुरान या फी शैइन मिन उलूमिल कुरान। हज़रत मौलाना यूसुफ़ बन्नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें कुरान करीम के अजाइब, कुरान करीम के गराइब, कुरान करीम के तफासिल, कुरान करीम के तावीलात और बेशुमार कायदे और नुक्तों पर कलाम किया। आजकल ये किताब जामिया इस्लामिया अल्लामा यूसुफ़ बन्नूरी टाउन से एक अलग रिसाले और नुस्खे की शक्ल में मिलती है, इसको ज़रूर हासिल करें और इसको समझ के पढ़ने की कोशिश करें। इस किताब के अंदर बेशुमार ऐसी बातें हैं और बेशुमार ऐसे दलाइल मौजूद हैं जो कुरान करीम के हक्कानियत और कुरान करीम के एजाज़ के दलाइल समझे जा रहे हैं। कुरान करीम के कितनी आयात हैं
6600 में इत्तेफाक है। फिर आगे 66 में अला इख्तिलाफ अल-कूफियीन वल-मसरियीन कदरे इख्तिलाफ, लेकिन ये इख्तिलाफ महज आयात की तकसीम में है, आयात की तादाद में है। इसमें इख्तिलाफ नहीं है कि कुरान का हिस्सा कौन सा है कौन सा नहीं, सिवाय तस्मिया के। इंशाअल्लाह ताला हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह साहब मुन्नज़िलुल आली उम्मीद है वो इसको तफसील से बयान फरमाएंगे और हम भी इस पर एक मुख्तसर नज़र डालेंगे। अभी इस वक्त ये बयान करना मकसूद है कि 6600 तो मुत्तफ़क हैं, फिर आगे कूफियीन और मसरीन के दरमियान कुछ इख्तिलाफ है। कुरान करीम के नाम क्या हैं, कितने नाम हैं? कुरान करीम के नाम बहुत सारे हैं, बेशुमार नाम हैं इसके, लेकिन शराए के अंदर एक अजीब तसलसल पाया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा में से दो अस्मा वो बहुत ज़्यादा शान वाले हैं, बहुत ज़्यादा आज़मत वाले हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। मौलवी साहब मेदार हो ना, हाँ समझ रहे हो बात को। कुल इदउ अल्लाह हामिद और रहमान अय्यम्मा तदउ फलहु अस्माउल हुस्ना। अल्लाह तबारक व तआला के अजीम अस्मा में से पहले नंबर पर वो लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का इसमें ज़ाती, और इसी तरह दूसरे नंबर पर वो रहमान है, क्योंकि ख़ुद कुरान कह रहा है कुल इदउ अल्लाह अबद और रहमान, और फिर आगे फरमाया बाकी भी जितने अस्माए हुस्ना हैं वो सारे के सारे शान वाले हैं, अजमत वाले हैं, और वो भी अल्लाह के अस्माए सिफाती हैं। इसी तरह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे अस्मा हैं और आपकी बहुत सारी सिफात हैं, लेकिन दो नाम बहुत ज़्यादा शान वाले हैं, बहुत ज़्यादा मारूफ हैं, नंबर एक मोहम्मद और नंबर दो अहमद। और दोनों नाम कुरान करीम में भी मौजूद हैं। एक तो सूरह मोहम्मद पूरी सूरत है, बिमा नुज़िल अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिक, और मिन बाद इस्मुहु अहमद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम को बशारत दी उसमें बाकायदा अहमद का नाम जिक्र फरमाया सूरह सफ़ में। बिल्कुल इसी तरह कुरान करीम के दो अस्मा वो बहुत ज़्यादा शान वाले हैं, आज़मत वाले हैं और बहुत ज़्यादा मारूफ हैं। नंबर एक इन्ना हाज़ल कुरान, ये कुरान करीम कुरान, और नंबर दो फुरकान, और ये लफ्ज़ भी कुरान करीम में मौजूद है। तबारक अल्लज़ी अंज़ल अल-फुरक़ान अला अब्दिही। लिहाजा ये दो अस्मा ये कुरान के मारूफ अस्मा में से हैं, और ये दो अस्मा ये कुरान करीम के उन अस्मा में से हैं जो बाकायदा कुरान करीम के अंदर मौजूद भी हैं, और इन अस्मा को उलमाए किराम मुफस्सिरीन इज़ाम ने सबसे ज़्यादा आज़मत वाला शान वाला करार दिया। और इनमें तरतीब फिर ये है कि पहले कुरान और फिर फुरकान, जैसे पहले अल्लाह फिर रहमान, जैसे पहले मोहम्मद और फिर अहमद। कुछ अस्मा ऐसे होते हैं कि जिनको बग़ैर इजाफत के पुकारना बंदे के लिए वो जायज़ नहीं होता।
رحمان خو ځان ته ویل مشرکی ده، لکه ساس کې ځان ته وایي زه بهیر یم. رحمان بابا کا شعر، یہ رحمان بابا کا شعر نہیں ہے. ہر چیز میں سر نہیں ہلایا کروں، یہ تو رحمان بابا پر تنقید ہے. رحمان ځان ته ویل مشرکی ده، لکه ساس کے چې ځان ته وایي زه بهیر یم. آپ کو پتہ ہے ہر زمانے میں جو ہم مثل ہوتے ہیں، ہم منصب ہوتے ہیں، اس میں آپس میں ناچاکی اور حسد کا عنصر ضرور ہوتا ہے. خوشحال خان خٹک نے رحمان بابا کو یہ کہا ہے، تم اپنے آپ کو رحمان کہتے ہو تو یہ کیا بات ہے، کس قسم کی باتیں کر رہے ہو. حالانکہ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ رحمان بابا نے بعد میں باقاعدہ اس کی تردید کی ہے کہ مجھے رحمان نہیں کہا کرو، لیکن اس وقت تک ان کی دیوان اور ان کی سوانح اور ان کی کتابیں وغیرہ وہ چھپ چکی تھی، مشہور ہو چکی تھی، لہٰذا وہ بات رہ گئی. ماں غریب تچ رحمان وائی کافر دے، یہ رحمان بابا کا شعر. ماں غریب تچ رحمان وائی کافر دے، ذر رحمان نقبل رحمان عبد الرحمان. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح ہمارے یہاں کسی کا نام عبد الغفار ہے، عبد الرزاق ہے، اس کو کہتے ہیں غفار، رزاق بہت غلط بات ہے. اگر کسی کا نام عبداللہ اس کو اللہ کہو گے تو پھر عبد الرحمن کو رحمان کیوں کہہ رہے ہو؟ عبد الغفار کو غفار کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اور بغیر اضافات کے ان کو پکارنا بندے کے لیے اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہو تو ڈر ہے کہ العیاذ باللہ اس کا ایمان ہی ختم نہ ہو جائے، دائرہ ایمان سے خارج نہ ہو جائے. اور اگر غلطی ہے تو جب اس کو علم ہو جائے تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اسماء القرآن پر بے شمار تصانیف موجود ہیں جن میں علماء کرام نے قرآن کریم کے اور اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو جمع کیا ہے. ان میں جو سب سے زیادہ استفادے والی ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ طریقے سے تعلیف فرمائی گئی ہیں، ابو اسحاق بقاعی کی نظم الدرر، ابو اسحاق بقاعی کی نظم الدرر. اسی طرح بہت بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں، تقی الدین سبکی، ان کی کتاب الاسماء الحسنی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کریم کے اسماء اور ان کی صفات جمع کی گئی. اور اسی طرح ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، الاسامی کے نام سے، یعنی اسی نام سے وہ معروف ہے. اور اسی طرح ہمارے ماضی قریب میں مفسر عصر اور استاذ و اساتذہ حضرت مولانا شیخ القرآن محمد طاہر پنجگیری رحمۃ اللہ علیہ کی العرفان فی علوم القرآن، اور حضرت مولانا طاہر پنجگیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بہت ہی زیادہ مقبول و معروف کتاب ہے، اس کا نام سمت الدرر فی ربط الآیات والسور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتذكر او يتدبر، کتاب کا نام. آپ اتنا بھی لکھ لیں کہ سمت الدرر تو کافی. کیا سمت الدرر طواز ہے؟ اس کتاب مختصر سا رسالہ ہے، چند صفحے، لیکن اسی زبردست جامع اور معنی ہے کہ تفسیر کے مبادیات اور تفسیر کے اکثر قاعدے اور قوانین وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. حضرت مولانا
मोहम्मद ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद के फाजिल और शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खास शागिर्दों में से और तफसीर में बरे सगीर के अजीम मुफस्सिर और सिंध और पंजाब में उलूम तफसीर के बुनियाद और उलूम तफसीर के अंदर दस्तावेज की हैसियत रखने वाले मुफस्सिर आसर हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के भी शागिर्द तफसीर में। किन की बात हो रही है? शेखुल कुरान मौलाना ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह। हजरत वाले साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे के मुफस्सिरीन माजी करीब में बेशुमार हैं और सब बहुत आला हैं, सब बरहक हैं, सबको अल्लाह ने अपनी अपनी तौफीक और सलाहियत से नवाजा है, लेकिन एक तो शेखुल कुरान मुजाहिद दीन व मिल्लत और तौहीद के अजीम सरचश्मा शेखुल कुरान हजरत मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब और दूसरे शेखुल कुरान हजरत मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों इम्तियाजी हैसियत के हामिल थे, बड़े मुफस्सिरीन थे। अल्लाह ने इनको बहुत ज़्यादा मकबूलियत अता फरमाई थी और इनको भी कुरान करीम की तफसीर, कुरान करीम के रबत और कुरान करीम के उलूम, कुरान करीम की रिवायात और दिरायात पर बहुत ज़्यादा उबूर हासिल था। और मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में ये जो हमारा इलाका है, सिंध है, पंजाब है और आगे सरहद पख्तूनख्वा का इलाका है, यहाँ पे जितने भी तफसीर के मशायख हैं अक्सरियत आपको ऐसी मिलेगी कि उनकी सनद हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह से जाकर मिलेगी। और हजरत मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह वो हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही और हज़रत मौलाना मजहर नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ख़ास हैं। ये जो मैं आपको किस्से कहानियाँ और तारीख सुना रहा हूँ, किस लिए सुना रहा हूँ, इनको नोट करो, इनको लिखो, ये इम्तिहान में आपसे पूछी जाएगी। ये कोई मदनी मस्जिद का दर्स हो रहा है कि जो आपका जी चाहा वो आपने सुन लिया और जो अच्छा लगा उसको लिख लिया, ये सब सबक का हिस्सा याद रखिए। मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह किन के शागिर्द हैं? मौलाना रशीद अहमद गंगोई और हजरत मौलाना मजहर नानोतवी बहुत बड़े उलमा में से हैं, उनके शागिर्द हैं। हजरत वाले साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जैसे अब हर फूल का अपना रंग होता है, इस तरह मुफस्सिरीन ने भी अपना अपना रंग है। शेखुल कुरान हजरत मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह अलैह कुरान के मानी पर, कुरान के रिवायात पर और कुरान की दिरायात पर बहुत वसी नजर रखते थे, लेकिन फिका और तफक्को की तरफ तवज्जो कदरे महदूद रखते थे।
जबकि शेख उल कुरान हजरत मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह वो कुरान के अल मानी, कुरान के तावीलात, कुरान के बारे में रिवायात और कुरान के मुस्तंबत होने वाले मसाइल फ़िक़्ह और तफक्को इन पर बहुत वसी नज़र रखते थे, लेकिन दरायात पर क़दर महदूद तवज्जो रखते थे। समझ में आ रही है बात? यानी उनका तफक्को ज़्यादा था और इनका दरायात में कसरत इत्तला ज़्यादा था, और ये दोनों ज़रूरी चीज़ें हैं। ये हमारे असलाफ़ हैं, ये हमारे बुजुर्गाने दीन हैं कि आज हम जिनका ज़िक्र खैर कर रहे हैं, और इनकी तवज्जो और मेहनतों से ये कुरान के उलूम की अमानत आज हम तक अल्लाह के फजल करम से बकमाल तरीक़े से पहुँच रही है। अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएँ और सबके दराजात को बुलंद फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह, लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला हज़रत वाले साहब के दराजात बुलंद फरमाएँ, उनका लगाया हुआ ये अजीम दीन और इल्म और तौहीद का सरचश्मा ता क़यामत कायम और दायम रखे, और उनका फैज़ जारी और सारी रखे। तलबाए किराम, उलमाए किराम जो यहाँ मौजूद हैं या पूरी दुनिया में जो हमारी इस तफसीर में शरीक हो रहे हैं और यहाँ इस इदारे से मोहब्बत रखते हैं, इस इदारे के बारे में फ़िक्र करते हैं और इस इदारे की से अकीदत रखते हैं, अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल फरमाएँ, मुश्किलात आसान फरमाएँ और परेशानियाँ दूर फरमाएँ। जो बीमार हैं सेहत अता फरमाएँ, जो दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाएँ। ये हमारे बहुत ही महबूब, हमारे वालिद साहब के बहुत ही करीबी साथियों में से जो मेरे दाएँ जाने तशरीफ़ फरमाएँ, हज़रत अब्दुल बारी बाबा हकीम साहब, इनकी ज़ौजा मोहतरमा कई दिनों से बीमार हैं और अस्पताल में दाखिल रहती हैं अक्सर, दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला और शिफाया जिला अता फरमाएँ। सल्लल्लाहु तआला